ये देख। अरे नहीं 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 सिप नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, पूरा सिगरेट पीनी पड़ेगी। पियो पियो। तुम्हारी वजह से फंस गई। पापा 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 प्लीज। नहीं, कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा मेरा। पापा क्या कह रहे हैं आप? मैं तुम्हें तुम्हारे मामू के घर भेज रहा हूँ। नो, मैं नहीं जाऊंगी वहां पे। जाना पड़ेगा कि मेरी बात तो तुम सुनती नहीं हो, शायद उन लोगों की सुन लो। पापा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे आपके पास ही रहना है। मैंने भी फैसला कर लिया, मैंने नहीं रखना तुम्हें घर पे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। अगर आप मुझे निकाल भी दे तो मैं यही रहूंगी, मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। मारे भी खाओ, घर के काम भी करो, एहसास ही नहीं है किसी को। Yes. May I come in, sir? No, get lost. Oh, thank you so much. क्या हाल है? तुम बताओ। बिल्कुल ठीक। आज कहाँ से निकला है सूरज? गाड़ी से। क्या मतलब? अरे भाई यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आजा। हाँ हाँ, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलूँ। और क्या है? अच्छा किया यार आ गया। मुझे एक्चुअली
एक बात करनी थी, एक मशवरा लेना था। हाँ करो, कहो। मसला यह है कि तुम सब लोगों ने बोल बोल के मुझे ना ये बात सोचने पे मजबूर कर दिया है। एक मिनट, तुम वही बात तो नहीं करने जा रहे जो मैं समझ रहा हूं? So happy यार, बहुत अच्छा फैसला किया। हाँ लेकिन मुश्किल फैसला भी है यार। यही सोच जा रहा हूँ कि ऐसी कौन सी औरत होगी जो आयजल से भी मोहब्बत करे, घर को उस तरह से मैनेज करे जिस तरह से मैं चाहता हूँ। उम्र की चीज है ना। कौन? कमाल हो सकता है कि तुम्हें बुरा लगे, लेकिन यकीन मानो मैं खुद पिछले कुछ दिनों से ये बात तुमसे करना चाह रहा था। बहुत अजीब सा लगता है जब एक बहन का भाई खुद अपने मुंह से कहे कि तुम मेरी बहन से शादी कर लो। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है कि मैं ये बात तुमसे कह सकता हूं कि तुम फायजा से शादी कर लो। मोहब्बत करती है वो आयजल से, और मेरा ख्याल है कि तुम्हारे घर के मामलात को समझती है। जिंदगी में एक बार ठोकर खा चुकी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा वो किसी को भी शिकायत का मौका देगी। तुम सोच लो अच्छी तरह से, आयजल से मशवरा कर लो। जो तुम्हारी मर्जी, फिर चाहे ना कहो या हाँ कहो, इट्स अप टू यू। कोई मसला थोड़ी है। चाय नहीं पिलाओगे आज क्या? बातों में लग गए, सब सहन से निकल गया। नहीं, चाय नहीं पियेंगे, खाना खाएंगे। हाँ हाँ जोया, नहीं नहीं सुनो मेरी बात। वो अभी जब डेलीगेशन आया हुआ था तो तुमने खाना कहाँ से मंगवाया था? दो लोगों के लिए डिलीवर कर सकते हैं, राशि साहब आए। हाँ मंगवा। कितने थे? ओके ओके, चल 30 to 45 minutes मैक्सिमम। मैं मानता हूं कि तुम्हें मेरा फैसला अच्छा नहीं लगा होगा, मगर क्या करूं, सब कुछ तो तुम्हारे सामने। वादा करता हूं तुमसे, तुम्हारी जो अहमियत मेरी जिंदगी में है किसी और की नहीं होगी। बस बुरा मत मानना। Thank you.
Yes. Yeah? Baba, please. Thank you. एक्चुअली कुछ बात करना चाह रहा था तुमसे। बोले? एक इजाजत लेनी। इजाजत? मामा की डेथ के बाद मैं ये घर सब कुछ बहुत बिखर गया। मैंने बहुत कोशिश की है समेटने की पर नहीं समेट पा रहा हूं। बेटा अब शिद्दत से एहसास होने लगा है इस बात का कि कोई होना चाहिए जो मुझे समेट ले, इस घर को समेट ले, जो फासले मेरे और तुम्हारे दरमियान पैदा हो गए हैं उनको खत्म कर सके। क्या कहना चाह रहे हैं बाबा आप? शादी करना चाह रहा हूं लेकिन तुम्हारी इजाजत के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। बेटा मुझे क्या एतराज होगा? नहीं नहीं ऐसे नहीं मेरी तरफ देखो, मुझे देखकर बताओ कि किसी नई आने वाली को तुम हंसी खुशी एक्सेप्ट कर लोगी? I'm sorry, पापा, इस चीज की मैं गारंटी नहीं दे सकती आपको, लेकिन मैं आपको शादी करने से रोक भी नहीं सकती। आपका राइट है। वैसे आपने सोचा है किससे शादी करेंगे? मैंने सोचा नहीं कुछ। I mean, I have no idea. तुम्हारे जहन में अगर कोई। पापा बस फायजा आंटी से शादी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर वो इस घर में आई तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। की तो कह रही है बच्ची, फायजा भी भला इस काबिल औरत है कि उससे शादी की जाए। मैं तुम्हारे लिए अच्छे घर की कुंवारी लड़की देखूंगी। जब पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, घर गृहस्थी जानती हो, जिम्मेदारियां उठा सके। पप्पो क्या जरूरी है कि लड़की कुंवारी हो? हाँ बहुत जरूरी, ऐसी लड़कियां जल्दी एडजस्ट करती है और उन पर जिम्मेदारी डाली जाए तो वो कबूल करती है उसे। ये लो मेरा घर आ गया। आरिफ जी, ठीक है साहब।
तलाश कर रही थी ना। वैसे मैं काफी देर से देख रहा था, तुम हमारी छत की तरफ चुपके चुपके देख रही थी। आखिर प्यार हो ही गया ना, कहा था ना मैंने तुम्हें। अब आ गई। बात तो सुन, रुक बैठ, इधर बैठ जाना। वो कल वाली बात का ना बुरा ना मनाना, जमीन मिली थी मुझे दोबारा, वो बता रही थी कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, वो लड़का ही आते जाते तुम्हें छेड़ता। बात करूंगा उससे मैं, बल्कि उसकी मां से बात करूंगा, ये कोई तरीका बना। मगर बदनामी तो हो गई है, अब इस मोहल्ले में रहते हुए ना तेरी शादी करना मुश्किल हो गया। हर कोई यही कहेगा कि इस मोहल्ले में रहते हुए इस लड़की ने हर लड़के को अपने पीछे लगाया हुआ है। तो आप लोगों की बातों में आके एक ही दफा मेरी जान क्यों नहीं ले लेते? अच्छा अच्छा, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। शादी तो मैंने तेरी करनी है हर सूरत, एक रिश्ता मैंने देख भी लिया है, बहुत अच्छा है, बड़ी खुश रहेगी तू, ऐश करेगी ऐश। क्या पूछेगी नहीं कौन है वो? तू उससे मिल भी चुकी है। किससे? वो अपने साहब है ना, उनसे। क्या है खुश नहीं हुई तू? अरे इतना अच्छा रिश्ता है, हर वक्त तेरी शक्ल पे बारह ही बजे रहते, कुछ भी सुना दो तुझे। अरे खुश हो जा, खुश हो जा, इससे अच्छा रिश्ता मिलेगा तुझे कोई? जो तेरी हरकतें हैं, शुक्र अदा कर अल्लाह का। सोच ले सोच ले, वही होगी तेरी शादी साहब के साथ। बहुत अजीब सा लगता है जब एक बहन का भाई खुद अपने मुंह से कहे कि तुम मेरी बहन से शादी कर लो। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है कि मैं ये बात तुमसे कह सकता हूं कि तुम फायजा से शादी कर लो। पापा बस आपको जिससे शादी करनी है आप कर लें, फायजा आंटी से मत कीजिएगा, क्योंकि अगर वो इस घर में आई तो मैं यहां नहीं रहूंगी।
ठीक ही तो कह रही है बच्ची, फायजा भी भला इस काबिल औरत है कि उससे शादी की जाए। मिनट में क्लास है, तुम आ जाओ। हाँ आती हूँ। शादी तो मैंने तेरी करनी है हर सूरत। एक रिश्ता मैंने देख भी लिया है, बड़ी खुश रहेगी तू, ऐश करेगी ऐश। पूछेगी नहीं कौन है वो, तू उससे मिल भी चुकी है। किससे? अपने साहब है ना, उनसे। इरसा, हाँ क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। नहीं कोई तो बात है, तुम्हारे डैड के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है? नहीं वो एक्चुअली मेरा रिश्ता आया है। सच? क्या करता है, क्या नाम है, इसी शहर में रहता है? हाँ इसी शहर में रहता है, कमाल नाम है। फिर तो बहुत कमाल करता होगा। हाँ, हाउसिंग सोसाइटी का मालिक है और भी बिजनेस है। इसका मतलब अमीर भी बहुत होगा शायद। क्या नाम है उसकी कंपनी का? ये तो याद नहीं है। तुम किसी और को तो पसंद नहीं करती हो? इरसा क्या प्रॉब्लम है, जब सब कुछ ठीक लग रहा है तो क्या मसला है? यही तो नहीं पता। ओफो, तुम भी ना बहुत अजीब हो। स्माइल करो, स्माइल। चलो जी चलो चलो धीरू। आइजल 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 बात तो सुनो। आइजल रुको, आइजल रुक जाओ, क्या हुआ है? क्या बात है, आज सुबह से तुम हमें इग्नोर कर रही हो, क्यों? क्लास में भी तुमने ठीक तरह हमसे बात नहीं की आज। आइजल बताओ ना क्या हुआ है, सब ठीक है? बस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तबीयत नहीं ठीक है? तुम्हारे पापा ने मना किया हमसे बात करने से। यही बात है। अरे क्या हो गया अचानक यार? ये लो, ये रख लो। किस लिए? कोई कपड़े वगैरह बना लेना। अरे बाबू तुम्हारा, शर्म क्यों कर रही हो? ये लो रख लो ना। कपड़े हैं मेरे पास, किसी वक्त जरूरत पड़ जाएगी नए जोड़े की। क्या मतलब है आपका? मतलब बाद में बताऊंगा, तो पकड़ो। कहा ना नहीं चाहिए। बना लो बेटा जितना मूड बनाना है, आखिर में तुम्हें साहब के साथ ब्याह के ही छोड़ूंगा।
अस्सलाम वालेकुम पप्पा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, सब खैरियत? सब खैरियत है, बताती हूँ। ये देखो कुछ तस्वीरें आई हैं मेरे पास। पप्पो, मैं इतनी जरूरी मीटिंग छोड़कर आया, ये सोचा कि पता नहीं क्या जरूरी काम होगा, और आप इससे ज्यादा जरूरी क्या काम होगा? तुम देखो तो, देखो ये वाली कितनी अच्छी है। नहीं पप्पो, नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब। इस तरह से लड़कियों की पिक्चर्स को सिलेक्ट करना, रिजेक्ट करना, ये कोई अच्छी बात है? फिर कैसे करेंगे पसंद शादी के लिए लड़की? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं दादा? बिल्कुल ठीक। मेरा बच्चा कैसा? मैं बिल्कुल ठीक। अब आ गई है ना, इसको दिखाइए। देखो बेटा, पापा की शादी के लिए कौन सी लड़की होना चाहिए? क्या हुआ, पसंद आई कोई? कोई भी अच्छी नहीं है। इतनी अच्छी अच्छी तो है दादू, कोई भी अच्छी नहीं लगी मुझे, सीरियसली। एक्सक्यूज मी, अच्छा देख, तुम देखो। सफिया बी को क्या हो गया? खाली चाय लाके रख दी है, कोई बिस्किट, कोई। एक मिनट मैं जरा। सफिया बी, सफिया बी, क्या लड़का है, कैसे समझाऊं इसे? सफिया, ये लो भाई सामान आ गया, देख लो। क्या सारा सामान, देख लो। कोई चीज रह तो नहीं गई? अरे रहेगी कैसे, बहुत देखभाल के लेता हूँ चीजें मैं। फिर भी तुम अपनी तसल्ली कर लो, और ये लो, ये 1600 रुपए बाकी बचे हैं, ये रख लो। बड़ी खुशबू आ रही है, क्या पकाया है? पुलाव। ओह, ये क्या है, कोरमा। वाह वाह वाह, पहले ही बहुत भूख लग रही थी, अब तो इन्हें देख के और चमक गई है। सफिया खाना लगा दो ना थोड़ा सा, मैं हाथ धो लूं। अरे हाथ बाद में धोना, पहले मेरे साथ स्टोर में सामान रखवाओ। हाँ चलो चलो, रखवा दे, लाओ चलो चलो स्टोर। अरे सामान आ गया, ये घर में जमाया मैंने ये दही। क्या बात है तुम्हारी सफिया, बहुत आला, बहुत आला। खा लो आरिफ भाई, जितना भी खा सकते हो। अरे थोड़े ही दिन रह गए अभी सेश के। क्यों, फिर क्या होगा? अरे साहब शादी कर रहे हैं, दूसरी मालका ना जाएगी, फिर तो जो वो चाहेगी वही होगा। अरे तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? इसलिए कि मुझे पता है कि नई मालकिन के आने के बाद क्या होगा,
क्या नहीं होगा? क्या मतलब है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा? मैं क्यों बताऊं? मुझे कुछ तो बताओ। अच्छा, तुम्हारी तसल्ली के लिए ना सिर्फ इतना बता देता हूं कि नई मालकिन के आने के बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि यूं समझ लो कि इस घर में मेरी इज्जत और ज्यादा हो जाएगी। देख लेना, बहुत अच्छा बनाया तुमने, वाह वाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या है शॉपर में? आओ तो दिखाती हूँ। ये क्या उठा के ले आई? कपड़े। तुम्हारे? नौशीबा जी के, उनके ससुराल से हैं। चाय बना रही हूँ, पियोगी? जरूर पियूंगी अगर तुम बनाओगी तो। नौशीबाजी की तारीख तय हो गई है। अच्छा, कब है शादी? अगले से अगले हफ्ते। तो अभी 15 दिन है, लेकिन कोशिश करना कि थोड़ा सा जल्दी दे। 15 दिन है ना? चलो हो जाएंगे इंशाल्लाह। वैसे कपड़े तो बहुत महंगे लग रहे हैं। लगता है काफी अमीर हैं नौशीबाजी के ससुराल वाले, काफी खुश रहेंगी वो। काश खुश होती। क्यों? भाई उनको उनके किसी दोस्त ने कह दिया कि दूल्हा दुल्हन नहीं बल्कि अपने माँ बाप के लिए नौकरानी ब्याह के ले जा रहा। ऐसा क्यों कहा उसने? शायद फैसल भाई दुबई में होते हैं इसलिए। साल में सिर्फ 15 दिन मिलेंगे उनको यहाँ आने के लिए। और बाकी के 11.5 महीने नौशीबाजी यहीं रहेंगी, अपने ससुराल की खिदमत करेंगे। तो नौशीबाजी को वो अपने पास नहीं बुलाएंगे? इतनी तनख्वाह नहीं है उनकी। या तो वो नौशीबाजी को अपने पास बुला सकते हैं, या फिर यहाँ अपने खानदान को पैसे भिजवा सकते हैं। अब तो मुझे उनकी सहेली की बात सही लगती है। शायद वाकई फैसल भाई दुल्हन नहीं, एक नौकरानी को ब्याह के ले जा रहे। क्या हुआ, गिर गई? नहीं, बच गई। फैसल भाई दुल्हन नहीं,
एक नौकरानी को भी आके ले जा रहा है।